हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल शाई स्टाइल सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाई स्टेप ये ब्यूटिफुल गॉर्ज ग्लैमरस मेकअप लुक पसंद आएगा डेफिनेटली तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैं प्रोडक्ट्स की सिर्फ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी क्योंकि लिंक्स देने का भी इस

ओके okay, सो so हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मैं हेयर स्टाइल के लिए बता रही हूँ कि मैंने रोलर्स यूज़ किए हैं जो कि बालों को बहुत ज़्यादा बाउंस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको मेरे हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा बाउंस दिख रहा था नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर कर रही हूँ और ये हैं ओ लेंस के इन दी शेड सिम्फनी ग्रे जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं एंड अगर आप कोई भी ग्लैम या फिर बहुत डिफरेंट लुक चाहते हो तो मेक श्योर sure आप कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज ट्राई करो जो आपके लुक को बिल्कुल चेंज करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले आई मेकअप करें तो मैंने यहाँ पर कलर पॉप का नो फिल्टर कंसीलर लिया है तो हम आई बेस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं ओके सो so मैं यहाँ पे डे लाइट में शूट करी तो जो भी कलर होगा वो नेचुरली दिखेगा आपको सो so मुझे थोड़े से ब्रेकआउट्स भी हैं तो सबसे पहले मैंने आई बेस को सेट किया है लूज़ पाउडर से और ये मिलानी का लूज पाउडर है जो मैंने यूज़ किया है नेक्स्ट मैं यहाँ पे आना बवली इसका नॉर्वीना पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि गिफ्टेड है बाय निधि ऑब्वियसली ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो एक स्मोकी लुक है तो सबसे पहले हम बेस लाइक क्रीज़ में कलर ब्लेंड कर रहे हैं एंड मैंने यहाँ पे लाइट पिंक शेड लिया है देन हम अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे इस तरह फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश आपको लेना है जी और उसके बाद आपको पिंक शेड के नीचे हल्का सा नीचे ताकि एक ग्रेडेशन इफेक्ट क्रिएट हो और आपको पूरा इनर कॉर्नर से आउटर वी तक अच्छे से इनवर्ड आउटवर्ड एंड हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए आपको हमेशा बेस लगा के सेट करना भी ज़रूरी है नेक्स्ट टीम पैलेट में से मैंने एक फ्लैट शेडर ब्रश है ये मैंने ये डार्क बर्गंडी शेड लिया है और उसे मैंने पूरी आईलिड पे पहले प्लेस किया आप देख सकते हो एंड देन मैं यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो धीरे धीरे कलर को प्लेस करना है एंड देन ब्लेंड करना है तो आप देखोगे कि कलर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया है धीरे धीरे प्लेस करके एंड ब्लेंड करके एक साथ आप प्लेस करके ब्लेंड मत करो मेस हो सकता है नेक्स्ट तो हमारा बर्गंडी आई ऑलमोस्ट कम्प्लीट है बट आजकल स्मोकी लाइनर बहुत ज़्यादा यू नो ट्रेंड में है एंड मस्ट ट्राई आईज तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले काजल यूज़ किया है अपनी लैश लाइन की क्लोज एज अ लाइनर ड्रॉ किया दैन मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे स्मोक आउट कर रही करी हूं। एक बार मैं एक ही आईज पे काजल लगाइए या फिर आप जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ड्राई होते हैं तो स्मोक स्मोक आउट करने में प्रॉब्लम होगी तो मैंने एक एक करके दोनों आँखों में ब्लेंड किया है स्मोक किया है नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश में ले रहे हैं फ्लैट एंगल ब्रश है ये ब्लैक शेड और मैंने जो पैलेट यूज़ किया है वो जीजी जी कॉस्मेटिक का है एंड उसे मैंने आईलाइनर पे अप्लाई करके धीरे धीरे करके ब्लेंड किया है एंड यू गाइस कैन सी कि हमारा स्मोकी आईलाइनर लुक भी रेडी है नेक्स्ट यहाँ पे हम एक पॉप ऑफ कलर ऐड कर रहे हैं जो बहुत सुंदर लगेगा तो मैंने यहाँ पे, पे ये ब्लू कलर यूज़ किया है जो कि स्विस ब्यूटी का जेल काजल है आप कोई भी काजल ले सकते हैं बट दिस इज़ अ रियली रियली नाइस काजल गाइस ट्रस्ट मी इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो मैं इसे एक स्मोजे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ स्मूक आउट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं हल्का हल्का सिर्फ काजल को नेक्स्ट लैशेस को आपको कर्ल करना है आई लैश कलर के हेल्प से उसके बाद मैं यहाँ पे फिजिशियन फार्मूला का मस्कारा ले रही हूँ मैं लैशेस से पहले ही मस्कारा अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मोस्टली ताकि हमारे लैशेज पे मस्कारा ना लगे तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेज़ अप्लाई कर लिए ऑफ कैमरा जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दो साल पहले शेयर किया था कि हाउ टू तो अप्लाई फॉल्स लैशेज़ ओके सो नेक्स्ट हम बेस बेसअप स्टार्ट करते हैं तो आई मेकअप अभी अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि आपका फुल मेकअप नहीं कम्प्लीट होता है तो मैंने यहाँ मिलानी का ऑयल लिया है फेशियल ऑयल बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को प्रेप करने के लिए मेकअप बेस लगाने से पहले उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है जो भी स्पॉट्स हैं उनको कंसील करने के लिए और ये पैक का था नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया था आ, मिलानी का नो जो भी शेड्स है नीचे आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट मैंने सेम नो फिल्टर कंसीलर यूज़ किया एंड देन मैं उसको सेट करी हूँ लूज पाउडर की हेल्प से जो कि है मिलानी का लूज पाउडर काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है येलो अंडर टोन का है तो ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है नेक्स्ट सेम चीजें कॉस्मेटिक्स में मैंने लाइट ब्राउन शेड एंड थोड़ा सा ब्लैक शेड को मिक्स करके एक कस्टमाइज आईब्रो पाउडर क्रिएट किया है या शेड क्रिएट किया है मैं उससे थोड़ा सा हैवी फिल करी क्योंकि मेरा आई लुक भी, भी बहुत हैवी है तो बहुत हल्की ब्राउज ज़्यादा जाएंगे नहीं सो बट ओवर मत जाइए ब्राउज़ पर जिस तरह आपकी ब्राउज है उसी शेप में डायरेक्शन में फिल करिए ओके नेक्स्ट ब्राउजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट कैटवॉन डी का स्टारलाइट पैलेट है इन द शेड लाइट और इसमें से मैं वह ब्राउजिंग शेड ले रही हूँ और ये पैलेट मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है तो मैं थोड़ा सा हैवी कॉन्टोरिंग करूँगी लाइक हैवी ब्राउन्जिंग करूंगी नॉट कॉन्टोरिंग यू कैन सी उसके बाद उसको सॉफ्टन करने के लिए ताकि वो हार्श ना लगे तो मैंने स्पंज से ब्लेंड किया एंड एजेस को मुझे जो शार्प दिखाना है तो मैंने लूज पाउडर लेके लोअर एजेस पे अप्लाई किया है कॉन्टो ब्राउजिंग के ब्लश के लिए मैं कस्टमाइज ब्लश बना रही हूँ यहाँ पे ब्राउन टोन एंड पिंक टोन को मिक्स करके मैं एज अ ब्लश स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ यू कैन सी स्लोली स्लोली मैं कलर को बिल्ड कर रही हूँ ताकि वो बहुत नेचुरली और ब्लेंडेड लगे ओके okay, नेक्स्ट मैं यहाँ पे पैक का शेड यूज कर रही हूँ ये लिप क्रेम है इन द शेड सेवेंटीन गो गेट इट्स अ ब्यूटिफुल गो हैड बहुत सुंदर शेड है डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एंड मैंने लिप्स को हल्का सा ओवरलाइन किया है ताकि लिप्स ब्रॉड लगे ये इट्स अ हैक ओके okay, सो so मैंने ब्राउज लाइक मस्कारे को लोअर लैशेज पे भी अप्लाई किया एंड मैंने अपने ब्राउज को सेट किया मैं अपने हाईलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ बेनिफिट्स का हाईलाइटर ये सिल्वर हाईलाइटर वैसे तो डार्क स्किन टोन पर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा मिलानी का सेटिंग स्प्रे ऑल टाइम फेवरेट सेटिंग स्प्रे है बूम सो so, यहाँ मैंने रोलर को ओपन कर लिया है एंड आई गॉट दिस रिज़ल्ट मेरे बाल इस तरीके से वेवी एंड बाउंसी हो गए थे ओके okay, सो so ये जो स्टर्ट मैंने पहना है वो है क्लाब फैक्ट्री का सो दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक यू गाइस अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक like, शेयर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा इट मीन अलॉट टू मी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर स्टे ब्लेस्ड